दोस्तों, परमेश्वर अनुग्रहकारी है और उसका हर वचन जीवित है, सामर्थ्य है। तो आइए आज की सुबह हम अपने आप को नतमस्तक करें और अपने दिल को खोलें ताकि ये वचन हमारे जीवन में काम करे और हमें अद्भुत आशीष दे, वो आशीष जो परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ी है। आज के स्वर्गीय मन्ना का भाग हमने लिया है यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 23वां अध्याय और उसका 23वां और 24वां वचन। वचन कहता है, यहोवा कहता है, क्या मैं निकट का ही परमेश्वर हूँ, दूर का नहीं? यहोवा कहता है, क्या कोई मनुष्य गुप्त स्थानों में ऐसे छिप सकता है कि मैं उसे देख ना सकूँ? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? यहोवा का यही वचन है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र सामर्थी वचन में अद्भुत शिफा है। दोस्तों, हम अपने जीवन में परमेश्वर को सीमित कर लेते हैं, हम उसकी भलाई को सीमित कर देते हैं, हम उसकी दया को नापते हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि हम अपनी मुसीबतों, अपनी कठिनाइयों, अपनी रुकावटों और अपने दुखों के अनुसार परमेश्वर को अपने जीवन में लाते हैं। हम समझते हैं कि हमारा जो दुख है बस वो परमेश्वर हमारा पूरा कर दे और हमें आशीष मिल जाए। बस हम परमेश्वर को जानने की कोशिश ही नहीं करते। वो अद्भुत है, वो सर्वशक्तिमान है, वो पृथ्वी और स्वर्ग का रचयिता है। हम उस पिता परमेश्वर को पूछते हैं जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया और जिस आकाश और पृथ्वी को हम रोज देखते हैं, जिसको हम देखते हैं और उस पर चलते हैं, हे पिता परमेश्वर। इसलिए बाइबल कहती है, वचन कहता है यशाया 55:8-9 कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना ही तुम्हारे मार्ग और मेरे मार्ग एक जैसे हैं, क्योंकि मेरे और तुम्हारे मार्गों में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। यह परमेश्वर की वाणी है। कैसे? यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना और उन चेलों ने यीशु मसीह को अंधों को आंखें देते हुए देखा, बहरों को काम देते हुए देखा, पानी पर चलते हुए देखा, हजारों लोगों को आशीष देते हुए देखा। और परमेश्वर ने जब उनको आशीष दी, परमेश्वर जब उनको पवित्र आत्मा से भर दिया, जब उनको अधिकार दिया, तो चेले खुद गए और खुद देखा उन्होंने कि जब वे यीशु मसीह के नाम से सुसमाचार दे रहे थे, जब वो यीशु मसीह के नाम से चंगाई दे रहे थे, तो अद्भुत आशीष मिल रहा था। और उन्होंने वापस आकर यीशु मसीह को बताया कि हमने जिस पे हाथ रखे उनको आशीष मिला, चंगाई मिली। लेकिन फिर भी चेलों ने यीशु मसीह को अपने जीवन में सीमित करा हुआ था। जब 5,000 की भीड़ सामने आई, जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम इन्हें खाना दो, तुम इन्हें रोटी दो, चेले पहचान नहीं पाए, चेले समझ नहीं पाए, चेले उस आशीष को, उस सामर्थ्य को, उस परमेश्वर के भेद को नहीं जान पाए। उन्होंने सीमित किया हुआ था यीशु मसीह को, उन्होंने सीमित किया था परमेश्वर को, उस भावनाओं को, उन विचारों को नहीं समझ सके, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर की मुलाकात उनसे कराना चाहते थे। यीशु मसीह वो स्वर्गीय मन्ना, वो स्वर्गीय रोटी उनको देना चाहते थे जिससे वो तृप्त हो जाएं। यस, चेले उस चीज़ को नहीं समझ पाए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सीमित किया हुआ था यीशु मसीह को। उन्होंने कहा कि खिलाओ तुम इनको, जो तुम्हारे पास है तुम इनको रोटी दो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास रोटी नहीं है, इनको जंगल में भेजिए, इनको भेजिए बस्ती में जाकर ताकि अपने लिए रोटी लाए। चेले को कहना चाहिए था कि यीशु मसीह आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप सर्वव्यापी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप इन्हें रोटी दीजिए, आपके पास अगर कोई आया है तो वो भूखा कैसे जाएगा, आप पर जिसने विश्वास किया है वो प्यासा कैसे जाएगा। ये चेलों को कहना चाहिए था। हालेलुया। अंधा बर्तिमाई जब चिल्ला रहा था, दाऊद के संतान, हे दाऊद के संतान, चेले उसको झिड़क रहे थे, चेलों से दूर कर रहे थे, हट दूर, हट, चिल्ला मत, मता मेरे कर, मता हमारे करीब, यीशु मसीह को चुपचाप जाने दे। लेकिन जब यीशु मसीह ने ठहर कर उसे बुलाया तो चेले उसको पास लेकर आए। क्या चेलों को नहीं कहना चाहिए था, कह रहे यीशु ये अंधा भिखारी आपको पुकार रहा है, इसको आंखें दे, इसको सुख दे, इसको आशीष दे। हालेलुया। हम अपने जीवन में परमेश्वर को सीमित ना करें। आप जानिए,
मेरे भाई मेरे दोस्तों, कि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है, वो रचयिता है। वो अगर अपने इकलौते पुत्र का बलिदान आपके सुख के लिए दे सकता है, आपको बचाने के लिए दे सकता है, तो आपको और आशीष देने के लिए वो क्यों नहीं आगे बढ़ेगा? क्यों आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा? हम क्यों यीशु मसीह को अपने जीवन में सीमित करें? हम क्यों परमेश्वर को अपने जीवन में सीमित करें? अगर हम यीशु मसीह को पहचानेंगे, अगर हम जानेंगे कि वो सब कुछ कर सकता है, हमारे मन में हमारा विचार इस तरीके से बैठना चाहिए, हमारा विचार इस तरीके से होना चाहिए कि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला, तब कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल हमारे जीवन में आएगी और वो हमें हरा नहीं पाएगी, वो हमें डरा नहीं पाएगी, क्योंकि हम यीशु मसीह को सीमित करते हैं, इसलिए वो परेशानी हमें डराती है। अगर हमारे सामने यीशु मसीह की परिभाषा, अगर हमारे सामने यीशु मसीह का शख्सियत, अगर हमारे सामने यीशु मसीह का परिपेक्ष बड़ा होगा, अगर हम जानेंगे कि वो ऐसा है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, वो कुछ कर सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है, जो तुमने देखा नहीं है वो तुम देखोगे, जो तुमने सोचा नहीं है वो तुम सोचोगे। हालेलुया। अगर हमारा हमारे जहन में परमेश्वर की ऐसी प्रतिमा होगी, अगर हमारे जहन में परमेश्वर का ऐसा रूप होगा, ऐसा अक्ष होगा, तो हम कभी भी परेशानियों से डरेंगे नहीं, हम कभी भी परेशानियों के पीछे के सामने से भागेंगे नहीं, और परेशानियां हमें डरा नहीं पाएंगी और शैतान हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज की सुबह हम अपने हमारी जो सीमित हमारा सीमितपन है, हम जो यीशु मसीह को परमेश्वर को अपने जीवन में जो हमने सीमा दी हुई है, उन सीमाओं को तोड़िए और आगे निकलिए और देखिए कि परमेश्वर अद्भुत है, महान है, और कुछ भी कर सकता है आपके लिए और कभी भी कर सकता है आपके लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम है, अद्भुत शिफा है। धन्यवाद परमेश्वर, तू महान है, महिमा और आदर का योग है, तू कुछ भी हमारे जीवन में कर सकता है और कभी भी कर सकता है। आई हर भाई बहन के लिए आशीष सुख और चंगाई मांगते हैं और तेरी उपस्थिति का आशीष, तेरी बुद्धि हमारे जीवन में काम करे, ऐसा प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना अपने सुनिए और कबूल की। आमेन, आमेन, आमेन।